हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डैन नेटवर्क्स लिमिटेड से रिलेटेड। कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसे संयोग हो रहे हैं कि ये शेयर यहाँ से बहुत अच्छा मूव कर सकता है, ये शेयर यहाँ से गिर सकता है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड, है ना। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये शेयर मैंने अपने मिड टर्म पोर्टफोलियो के लिए, है ना, 1-2 साल के लिए मैंने रख रखा है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, छोटी सी क्वांटिटी है, बट स्टिल रख रखा है। तो डिस्क्लेमर है, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है। सीखने के लिए यहाँ पर ये वीडियोज़ है ना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और सीखिएगा जितना सीख सकते हो। यहाँ पर वीडियोज़ बनाई जा रही है बहुत सारी, ताकि आप सीख सके। बाकी सीखने का तरीका, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस है तो सबसे पहले टू अर्न मोर फर्स्ट लर्न मोर, है ना, आपको सीखना बहुत जरूरी पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, क्यों लेना है, शेयर क्यों भागते हैं, शेयर क्यों गिरते हैं, ये सारे आंसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है। 8868054051, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर सकते हो और साथ में हमारे यहाँ पर काम कर सकते हो और कोर्स कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। डन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आज चीजों को आपको समझाना चाहता हूं, बाकी फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए, इज अ मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी दैट प्रोवाइड विजुअल एंटरटेनमेंट टू द इट्स कस्टमर थ्रू केबल टीवी, OTT, entertainment and broadcast services. It has secured media content from the various broadcaster across a wide range of यहाँ पर आप देखिए genres and entertains 30 million plus household in India across 13 key state and 433 cities and largest subscriber base among all the cable player in India. तो यहाँ पर बात करें, broadband service provide करता हुआ नजर आता है, as well as इनका Dun Network के नाम से जो छतरी होती थी ना पहले, वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। but अभी चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा चले इन्वेस्टर में तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो इसके प्रमोटर है वो कौन है। जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग, जियो टेलीविजन, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो इन्होंने ही अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी में लेके रख रखी, लगभग 65-66% के आसपास की, ठीक है। और यहाँ पर बातें क्या चल रही हैं, यहाँ पर बातें चल रही है जियो के IPO से रिलेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, तो कुड बी हेडेड फॉर अ मेगा IPO इन 2025। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर ये जियो का IPO आ सकता है। और जियो ने किस में इन्वेस्ट कर रखा है, जियो ने इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में। इसके अलावा और 2 शेयरों में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है ना, या फिर एक शेयर और मान के चलिए जो कि हैथवे केबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 51% और 64% के 65% के आसपास की होल्डिंग इन दोनों कंपनी में इन रिलायंस इंडस्ट्री मींस जियो ने यहाँ पर लेके रख रखी है। और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट अच्छा खासा कहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, इस पर्टिकुलर शेयर में आता हुआ दिखाई देगा। और कुछ संयोग चार्ट पर ऐसे भी बन रहे हैं जो यहाँ पर दिखाई देता है, उससे रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपको काफी सारी चीजों से मैं अवगत करा देता हूँ। तो यहाँ देखिए मार्केट कैप 2483 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब क्या है, स्मॉल कैप कंपनी है। जब स्मॉल कैप कंपनी की बात करूं तो दो चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी यही है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर। बाकी दूसरी बात करूं तो दूसरे ये है कि जब शेयर स्मॉल कैप भागते हैं तो आपको दिखाई देंगे कि पागलों की तरह भाग रहे हैं, कैसे ये 70-80 रुपए वाला स्टॉक 200-300 हो गया, ठीक है। बट जब गिरते हैं ना तो उसी तरीके से गिरते हुए भी नजर आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ऐसे शेयरों में क्या होती है, गिरावट होती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। तो क्या होता है, ये स्टेज 2, ये स्टेज 3, ये स्टेज 4 और स्टेज 1 का कंसोलिडेशन पूरा होकर 2 की तरफ निकलता हुआ ये शेयर नजर आएगा और फिर ये शेयर अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। तो वो ही चीजें हम यहाँ पर अपने कोर्स में यहाँ पर सिखाते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, आपको वो चीजें यहाँ पर आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स के थ्रू। तो यहाँ पर इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चला है 11 का PE, इंडस्ट्री का PE 41 का है, तो अभी भी ये शेयर सस्ता है, पहली बात। दूसरी बात, PE के बेस पे कभी काम नहीं करना, है ना। PE आपको बताएगा कि यहाँ पर आपके पैसे अच्छे खासे बन सकते हैं, PE बताएगा कि हाँ यहाँ पर पैसे आपके धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बनते हुए नजर आएंगे, बट पी के बेस पे काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि पी प्राइस के साथ भी मूव करता हुआ नजर आता है। आरओसी आरओई की बात करें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है, इंडस्ट्री का पी 41 का है। डेट की बात करें तो देखिए, सबसे अच्छी बात है कि डेट फ्री शेयर है,
प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर सस्ता नजर आता है ये शेयर, है ना। दूसरे शेयर देखोगे तो 10 गुना, 5-5 गुना, 3-3 गुना चलते हुए नजर आते हैं। ये यहाँ पर सस्ता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू 71 है और यहाँ पर शेयर प्राइस केवल 52 है, तो यहाँ पर सस्ता है, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास शेयर चल रहा है, 10 की फेस वैल्यू, आगे चल के स्प्लिट भी होगा जब ये कंपनी का मौका मिलेगा, है ना, और आगे चल के बोनस भी देता हुआ नजर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100% की थी, इस बार की सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम यहाँ पर रहती हुई नजर आई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चीजें समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी कि यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है ना वो एक तरीके से थम गई है, हाँ ना, ना तो ज्यादा बढ़ रही है ना ज्यादा कम हो रही है। और यहाँ पर हम बात करें तो 248 करोड़ रुपीस के आसपास की ही सेल्स यहाँ पर आई है, जो कि लगातार गिरावट दिखा रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बट हो क्या होता है, एक आध क्वार्टर नीचे ऊपर हो जाता है तो उसके बेस पे हमें चीजों को जज नहीं करना होता, क्योंकि आप उस बेस पे जज करते हो तो फिर चीजों को निकालता हुआ देखते हो कि आप देखते हो शेयर 200 रुपए वाला आपने एक साल पहले देखा वो 1000 रुपए हो गया अगली साल, तो आप इग्नोर कर देते हो, तो ये चीजें होती हुई नजर आती है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सेल्स यहाँ पर कम होती हुई नजर आई ईयरली क्वार्टरली बेस पे, मार्जिन थोड़े से यहाँ पर डबल डोल होते हुए नजर आए, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर बात करें ईयरली बेस पे तो फिर भी थोड़ा नजर आता है, बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर कमियां दिखाई देती है, बट वो कमियां मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर रेक्टिफाई होती हुई नजर आएगी। ईयरली बेस पे यहाँ पर बात करें कंपनी की सेल्स की, तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स ईयरली बेस पे भी कुछ खास नहीं दिखाई देती, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ही 800-900 करोड़ की सेल्स 1000 करोड़ तक ही पहुंची है। बट जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही है, जियो ने इसका टेक ओवर लेता हुआ नजर आया और ज्यादा साल नहीं हुए, 2-3 साल होते हुए नजर आया, इसका इफेक्ट बहुत जल्दी यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। 2019 से ही लेना शुरू कर दिया था, है ना, इन्होंने, बट स्टिल यहाँ पर हम बात करें 5 साल हो गए, बट कंपनी का अब धीरे धीरे यहाँ पर इफेक्ट आता हुआ दिखाई आपको देता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट तो धीरे धीरे कम हो ही रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बात भी करी थी, और यहाँ पर हम देखें तो देखिए इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ देखिए कंपनी की सेल्स तो एक जैसी रही है ना क्वार्टर ईयरली बेस पे, प्रॉफिट भी आप देखें तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जो कंपनी का कभी यहाँ पर घाटे में चलती थी ना वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आके देखिए 200-250 करोड़ के प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक है ना। ये क्या है, ये पॉजिटिव चेंजेस है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करें रिजर्व्स, देखिए कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात है ना। यहाँ पर देखिए कंपनी की कीमत कितनी है, 2400-2500 करोड़, और कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी के पास रिजर्व्स है 2900 करोड़, उससे ज्यादा तो कंपनी के पास रिजर्व्स है, प्लस में बोरोइंग कितनी है, केवल 26 करोड़ की बोरोइंग है, तो यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छी नजर आती है। प्लस में जो मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा था ना कि कंपनी को कंपनी ने यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि एक साथ ही एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं और या धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन भी है कि यहाँ पर देखिए कंपनी पे सबसे पहली बात तो घाटे से प्रॉफिट में आना शुरू हुई है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 2019 तक तो इसने घाटा ही किया है, जब तक रिलायंस ने इसे टेक ओवर नहीं किया, और रिलायंस ने टेक ओवर किया तो यहाँ पर क्या है, घाटा कम हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए बोरोइंग, कंपनी कभी 1000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग में रहती थी, 500 करोड़ के आसपास की बोरोइंग रहती थी, है ना, और जैसी कंपनी जियो ने यहाँ पर इसे टेक ओवर किया वो बोरोइंग पहले तो बिल्कुल ही कम कर दी, जिसकी वजह से कंपनी जो इंटरेस्ट में पैसे देती थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि इंटरेस्ट में ही यहाँ पर इनके पैसे 66 करोड़ इतने करोड़ ये जाते हुए नजर आते थे, है ना, जिसकी वजह से घाटा हो जाता था, तो वो यहाँ पर अब चेंज होता हुआ नजर आया। तो थोड़ा सा टाइम और शायद देना पड़ेगा, और चार्ट भी वही कह रहे कि बस थोड़ा सा टाइम और, है ना, जिसकी बात हम यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। वर्किंग प्रोग्रेस में 18 करोड़, इन्वेस्टमेंट देखिए 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, हाई यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कैश भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ देखिए कैश इतना पड़ा हुआ है ना, साथ में यहाँ पर देखिए रिजर्व्स इतने पड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी बहुत ज्यादा सस्ता यहाँ पर नजर आती है, बुक वैल्यू के नीचे काम कर रही है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 75% के शेयर है ना प्रमोटर्स के पास है, और FIs के पास बात करें FIs यहाँ पर देखिए हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर लेने लग गए हैं, DIs अभी नहीं आए है ना, पहले थे 2021 तक बेच के यहाँ पर निकल गए, बट DIs भी आपको आते हुए दिखाई देंगे बहुत जल्दी, इस चीज को याद रखिएगा। पब्लिक की बात करें, पब्लिक की यहाँ पर हम देखें तो पब्लिक के पास 23% के शेयर, 24% के शेयर यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर लगभग लगभग 1,23,000 इन्वेस्टर यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे ये बेचना शुरू करेंगे, ठीक है ना, बहुत जल्दी यहाँ पर बेचेंगे, क्योंकि शेयर चलता हुआ नजर नहीं आता तो वो बेचते हुए नजर आते हैं, और फिर उसके बाद
यहाँ पर FISDAIs ये माल खरीद के ना इसे यहाँ पर पंप करते हुए नजर आएंगे, जो मुझे यहाँ पर शॉर्टली दिखाई देता है। थोड़ा बहुत टाइम जरूर लग रहा है, ठीक है, बट जैसे ही भागेगा शेयर अच्छा खासा मूव करता हुआ नजर आ सकता है। बट मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर शेयर को नहीं लेना है, इस चीज को याद रखिएगा। चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, बट बिफोर द चार्ट में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल पर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, नंबरों को नोट करके कॉल मैसेज कॉल कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं, कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लगातार यहाँ पर से गिरावट थी, ठीक है। गिरावट के बाद शेयर यहाँ पर एक रेंज में अभी चल रहा है और धीरे धीरे ये शेयर स्टेज टू में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होते हुए नजर आ रहे हैं जो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है ना, जो बस टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, है ना, ये बस थोड़ा सा टाइम ले रही है। यहाँ पर इस लेवल पे ये शेयर और ज्यादा अच्छा हो गया है, थोड़ा सा गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, ठीक है, 5-7-10 रुपए और गिर सकता है और वो एक अपॉर्चुनिटी ही रहेगी इस पर्टिकुलर शेयर के लिए। और ये शेयर जैसे ही निकलेगा, ठीक है, जैसे ही निकलेगा इन द सेंस 63 को जिस दिन क्रॉस कर देगा ना, सबसे पहले ये 69 की तरफ बढ़ेगा। 71 की इंट्रेंसिक वैल्यू है ही है, ये शेयर यहाँ पर 113 और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो 150 रुपीज की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि लगभग लगभग आपके 186% के रिटर्न बनते हैं और आराम से बनेंगे। और चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली, क्यों? क्योंकि जब चीजें यहाँ से चलेगी तो 150 वाला शेयर फिर ये 200-300 भी पहुंचता हुआ नजर आएगा। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पर ये IPO हिट होगा, इसके नंबर्स में भी शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, तब तक इसके नंबर भी सुधरते हुए नजर आएंगे और ये शेयर आसमान की रैली करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे तो कुछ भी नहीं है, बट ऊपर पूरा आसमान खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे ध्यान देना है। चीजों को सीखने पे ध्यान देंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। और ये स्टॉक मार्केट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें पैसा बनाने के लिए टाइम लगता है, ना कि आपका आपने अलादीन का चिराग घुसा और यहाँ पर कल ही आप करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होने वाला। तो उस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो पैसा बनेगा, वो प्रोसेस हम यहाँ पर सिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।